फिर से किसी जगह पर उतर गया जहाँ मुझे अच्छा दिखा, फिर किसी ट्रेन में बैठ जाऊँगा। खुद से सह सिटी देखने का मज़ा ही अलग है। और टूरिस्ट लोग बस वही एक ही चीज़, सॉरी टूरिस्ट गाइड लोग वही कैसल के बारे में समझाएंगे, ये कब बना, उसने हिटलर को मुसोलिनी ने मारा, उसको इसने ये किया। मुझे हिस्ट्री जानने में कोई कहानी नहीं, खुद से चल के देख लूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे ले लूँगा। अब उसके लिए मैं 20 यूरो दे के मैं सिटी का वही जो देख चुका हूँ ऑलरेडी उनके साथ सिटी राइड करूँ बस में बैठ के, क्या फ़ायदा जब मेरे पास 5 यूरो का टिकट, 6 यूरो का टिकट पूरा 24 घंटा तक वैलिड है। मेरा वेस्ट जाएगा क्यों, भले आप मुझे कंजूस बोलें या जो भी बोलें, मुझ पर इसका कोई असर नहीं है। सामने में कोई बड़ा सा चर्च दिख रहा है, इसको देख के बाल्टी में अगले स्टॉप से फिर से ट्रम पकड़ लूँगा, टिकट तो है ही मेरे पास। थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ के आए, शायद यहाँ से सिटी का अच्छा व्यू। वो क्राउड देख रहे हैं, चार्ल्स ब्रिज है ये, फर्स्ट ब्रिज के बाद वाला सुना बहुत 300-400 साल पुराना है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा लगते हैं देखने के लिए। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, देखता हूँ क्या व्यू। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद, पुलिया पार करने के बाद एक पहाड़ी के जैसा तराज में जिसे आप ऊपर चढ़ सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जहाँ रेस्ट कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, बहुत पीसफुल है, एक भी आदमी नहीं है, 2-4 गिनती के सॉरी हैं लोग। वैसे व्यू जंगल के जैसा है, वैसे व्यू जंगल के जैसा है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। बहुत ढूंढने के बाद भाई एक रेस्टोरेंट मिला है, इंडियन हिमालय बोल के, प्राग सेंट्रल से सीधा एक ब्रिज के उधर रोड आता है, स्टेशन का नाम कुछ है यहाँ पर ध्यान बहुत टेढ़ा है क्या प्रोनाउंस, लेकिन नाम है हिमालय, मेन रोड पे ही है। आपको चिकन वेजिटेबल थाली, चिकन थाली 115 क्रोना और वेज शायद 109 ऐसा कुछ या 110, मतलब चार पाँच यूरो में खा लेंगे आई थिंक खाना, ठीक है।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ब्रिज बहुत ही पुराना है, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोग सेम वे में। अच्छा पुराना लुक है, सेम वे में ऐसे ही देंगे लोग।